नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले, एक्चुअली थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं, जो रॉम डेवलपर दोस्तों अपने अपने ग्रुप के अंदर, अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अनाउंस कर दिए हैं, जो एंड्रॉयड 11 का इस महीने का जो अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है अगस्त के महीने के अंदर, वो दोस्तों लास्ट अपडेट होने वाला है। इसके बाद शायद आपको कोई भी अपडेट देने को ना मिले। ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से जो कस्टमर डेवलपर है अपने ग्रुप के अंदर, चैनल के अंदर ऐसा बोल रहे हैं कि जो नया अपडेट है देखने को नहीं मिलेगा। इसे जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई साहब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो पसंद आए तो। ज़्यादा खींचते नहीं है भाई साहब, सीधा बात करते हैं। एक्चुअली मेन रीज़न क्या है, जैसे आपको मालूम है दोस्तों, हर साल गूगल की तरफ से एक नया एंड्रॉयड का वर्जन जो है उसे रिलीज किया जाता है। इस साल भी किया गया है, एंड्रॉयड 12 ऑलरेडी आ चुका है, उसका बीटा रिलीज ऑलरेडी हो चुका है एंड बहुत से लोग उसे यूज भी कर रहे हैं। एंड होपफुली गूगल जो है नेक्स्ट महीने के अंदर, सितंबर के अंदर एंड्रॉयड 12 का जो स्टेबल रिलीज हो कर देगा। अगर एंड्रॉयड 12 का स्टेबल रिलीज सितंबर महीने के अंदर होता है तो शायद बहुत सारे रॉम डेवलपर जो है एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 12 के अंदर अपना अपना जो ओएस है और अपना अपना जो कस्टम रॉम है उसे शिफ्ट करते। इस वजह से जो अपना सितंबर है, सितंबर महीने के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से टेस्टिंग किया जाएगा एंड्रॉयड 12 को अपने कस्टम रॉम के साथ। इसलिए जो एंड्रॉयड 11 का भी अपडेट है, उस अपडेट के बाद आपको और भी कोई भी नया अपडेट देने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉयड 12 का टेस्टिंग करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए ज़रूरत होती है टाइम की। इसलिए अगस्त महीने के बाद बहुत से रॉम डेवलपर के अंदर कोई भी ह्यूज और मेजर चेंजेस देने को नहीं मिलेगा, कस्टमर रॉम के अंदर कोई भी मेजर अपडेट देने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉयड 12 को टेस्ट किया जाएगा। एंड एंड्रॉयड 12 को टेस्ट करने के बाद बहुत ही जल्दी आपको एंड्रॉयड 12 जो है सभी डिवाइस के अंदर, सभी कस्टमर रॉम्स के अंदर देने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड बहुत सी रॉम डेवलपर जो है ऑलरेडी एंड्रॉयड 12 का जो बीटा है उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट स्टेबल रिलीज हो जाए उसके बाद आपको और भी ज़्यादा जो है एंड्रॉयड 12 का रॉम देने को मिल जाएगा। नाउ आपको पहले जानना होगा जो एंड्रॉयड 12 का रॉम है वो पहला वाला जब आएगा तब आपको, अगर आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, बट आपको परफॉर्मेंस जो है बढ़िया देने को नहीं मिलेगा। ऐसा सेम चीज़ एंड्रॉयड 11 के साथ भी हुआ था, जब एंड्रॉयड 11 का रॉम पहला आया था उसके अंदर परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं था, कस्टमाइजेशन इतना बढ़िया देने को नहीं मिल रहा था, बट बाद में लगभग 2-3 महीने के बाद बहुत सारे अपडेट को रिसीव करने के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉलिश हो गया है, काफ़ी बढ़िया है एंड डे लाइफ के अंदर आराम से यूज़ कर पा रहे हो एंड्रॉयड 11 को। सेम चीज़ है एंड्रॉयड 12 के साथ भी, एंड्रॉयड 12 जब पहले आएगा कस्टमर रॉम के अंदर तो उसके अंदर कम फीचर होगा, उसके अंदर परफॉर्मेंस भी इतना बढ़िया देने को ना मिले शायद, बट कुछ टाइम के बाद कुछ मेजर अपडेट रिसीव करने के बाद उसका परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगा, कस्टमाइजेशन भी बढ़िया हो जाएगा। तो अभी आप अगस्त का जो महीना है इसके अंदर आपको एंड्रॉयड 11 देने को मिलेगा। होपफुली सितंबर के अंदर जो एंड्रॉयड 12 का स्टेबल रिलीज हो कर दे गूगल, उसके बाद जितने भी डेवलपर्स है सभी एंड्रॉयड 12 के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको परफॉर्मेंस क्या भाई सब, इसलिए शायद आपको जो अपडेट है वो अगस्त महीने के बाद देखने को ना मिले, उसके बाद आपको सितंबर के अंदर मेजर पैच अपडेट देने को मिल सकता है और जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो देने को मिल सकता है, बट आपको ह्यूज मेजर अपडेट देने को नहीं मिलेगा सितंबर के महीने के अंदर। एंड बहुत ही जल्दी अपने कस्टम रॉम के अंदर एंड्रॉयड 12 का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।